हर हर महादेव। नमस्कार, कलयुग प्रथम चरण में आपका स्वागत है। कहीं रहें, खुशहाल रहें। आज हम इस वीडियो में एक बेजोड़ उपाय दे रहा हूं। यह उपाय अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो महंगे से महंगे रत्नों का बाप साबित होगा, एक से बढ़कर एक रत्न आते हैं धन प्राप्ति के लिए, अपार धन प्राप्ति के लिए, जिसको शुक्र रत्न बोला जाता है। और आप देखे होंगे बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं उनके अंगुलियों में एक से बढ़कर एक रत्नों का जड़ा हुआ अंगूठी मिलेगा, और यह अंगूठी सब अपार धन प्राप्ति के लिए है। मित्रों, तो यह हम लोगों की बस की बात नहीं है। तो मित्रों, यह शुक्र का रत्न बेजोड़ धन प्राप्ति कराता है। तो मित्रों, ये हीरा, जकन, ओपल, ये तीन महंगे रत्न हैं और शुक्र का रत्न है, और यही अमीर लोग धारण करते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में तीन रत्नों से कम नहीं, अगर आप सही सलामत सिद्ध कर लेते हैं तो इन रत्नों का बाप साबित होगा वह वृक्ष का जड़। यह एक वृक्ष का जड़ का मैं उपाय बता रहा हूं। तो मित्रों, यह कौन सा वृक्ष है? यह गुलर वृक्ष है, हिंदी में इसको गुलर बोलते हैं। हम इस वृक्ष को और एक सिद्ध के लिए छोटा सा मंत्र है, उसको मैं आगे दिखाऊंगा। तो यह वृक्ष का पहले आप तलाश कर लें। तो मित्रों, गांव में यह वृक्ष नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसका प्रयोग आपको नहीं करना है। सड़क के किनारे से नहीं लाना है, शमशान भूमि से नहीं लाना है। यह वृक्ष बाग बगीचों में हो, जंगल झाड़ियों में हो, यानी गांव से बाहर कहीं हो, उसका जड़ आपको खोद के लाना होगा। तो साथियों, इस उपाय को शुक्रवार के दिन रात्रि में संध्या के बाद जब लक्ष्मी पूजन का समय होता है, उस समय अपने घर में बैठकर इस जड़ को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन संध्या के समय गुलर वृक्ष के पास जाकर जड़ को नमस्कार करें और उसको निमंत्रण दें कि कल हम थोड़ा सा जड़ लेकर जाऊंगा, मैं गरीबी से परेशान हूं, तंग हूं, गरीबी को दूर करने के लिए, कहकर घर वापस आ जाएं। और शुक्रवार के दिन जाकर उस जड़ को थोड़ा सा खोद के लाइए, जड़ पतला भी न हो और ज्यादा मोटा भी न हो, बस गले में धारण करने जैसा लाइएगा। तो ऐसा जड़ आप जो है थोड़ा खोद लीजिएगा और घर लाके उसको छोटा कर लीजिएगा ताकि गले में पड़ा रहे। तो ऐसा वाला जड़ आप लेकर आइए और अपने घर में शुक्रवार के दिन रात्रि में बैठकर लक्ष्मी का फोटो रखें, घी का दीपक जलावें और इस जड़ को लेकर 108 बार मंत्र को पढ़ के इस पर फूंक मारें।
मैं मंत्र और वह गुलद वृक्ष आगे आपको दिखाऊंगा, तो उसी से आपको 108 बार पढ़ के सिद्ध करना है। ये मंत्र ही रत्नों का बाप बनाएगा। तो आपको माला वाला की जरूरत नहीं है, माचिस की तिल्ली 108 ले लीजिए और उसी को बारी बारी से गिनते रहिए, निकालते रहिए, 108 पूरा हो जाएगा। तो मित्रों चलें, सबसे पहले मैं उस गुलद वृक्ष को दिखा दूं और वो छोटा सा मंत्र है वो भी आपको दिखा दूं। यही मंत्र है मित्रों, ओम सोम शुक्राय नमः। तो मित्रों यही गुलर वृक्ष है और यह छोटा सा मंत्र है, यह शुक्र मंत्र है। यही मंत्र इस जड़ को पावरफुल बनाएगा और रत्नों का बाप बनाएगा। तो मित्रों अगर आप सही सलामत इसे सिद्ध कर लेते हैं तो आपकी जीवन की जन्मों जन्मों की गरीबी और दुर्भाग्य दूर भाग जाएगा, धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो मित्रों अब इस जड़ को, सिद्ध जड़ को सफेद धागे में, मजबूत धागे में बांधकर उसी दिन शुक्रवार के दिन ही आप इसे धारण कर लें। और मित्रों जब धारण करेंगे तो इसका पावर 3 महीने तक बना रहता है। 3 महीने तक यह भरपूर अपना चमत्कारी रूप दिखाएगा। जब 3 महीना हो जाए तो इसको आपको बदल देना है, फिर जड़ इसी विधि विधान से लाकर और इसी विधि विधान से फिर सिद्ध करके फिर नए वाले को धारण कर लें और पुराने वाले को किसी बहते जल में, पवित्र जल में उसको प्रवाहित कर लें। तो मित्रों अगर इस विधि विधान से आप सिद्ध कर लेते हैं तो यह आपके लिए सौभाग्य प्राप्ति कराने वाला, घर से दुख और गरीबी को भगाने वाला है। तो मित्रों आत्मविश्वास से इस उपाय को करें और भरपूर लाभ उठावें। यह ऐसा जड़ है कि आप घर बैठे बड़े बड़े महंगे से महंगे रत्नों का लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।